नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे जिंदगी में कोई नाराज है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे मिलना नहीं चाह रहा है, तो उसे कैसे मनाएं? इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, आप ये जान लीजिए कि हर भावना का एक शिखर होता है, एक समय सीमा होती है, उसके बाद वो भाव निढाल होकर दूसरे भावों में विकसित होने लगते हैं। यानी सरल भाषा में अगर कहूं तो अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है या आप पर क्रोध कर रहा है तो एक ऊंचाई तक ही जाकर वो क्रोध कर सकता है, उसके बाद उसके भाव दुख, करुणा, प्रेम, स्नेह, संताप आदि में बदलकर या मिश्रित होकर कम होने लगते हैं। उसमें एक निर्धारित समय के बाद ठहराव आता ही है, इस बात का इल्म भी आपको होना चाहिए। उसकी क्रोध या नाराजगी के शिखर का बिंदु हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये अवधि एक दिन हो सकती है, किसी के लिए दो दिन, किसी के लिए महीनों और किसी के लिए वर्षों। ये व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर नाराज होने वाला व्यक्ति आपका कोई खास नहीं है या उस व्यक्ति के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो जग जाहिर सी बात है, आप अधिक प्रयास या अधिक समय उसको मनाने में खर्च नहीं करेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मनाना जरूरी है, जिसके बिना आप में क्रोध, हिंसा और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है या आपके जीवन पर उस व्यक्ति का डायरेक्ट कोई प्रभाव है या आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं या आप उसे इतना प्यार करते हैं कि उसके बिना जीना संभव ही नहीं है, तो प्रयास और परिणाम अलग हो सकते हैं और हो सकते हैं, क्या होते ही हैं। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि उस व्यक्ति की अहमियत आपकी नजर में क्या है। अगर आपने ये जान लिया तो आपका आधा काम यूं बन गया। अब आपको ये करना है कि इस दुनिया में हर गलती की, हर रूठने वाले को मनाने की प्रक्रिया का साधारण सा इलाज ये है कि आप उनसे माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, आपका वजूद बढ़ता ही है। लोग सोचते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आपने बात को बड़े अच्छे ढंग से खत्म कर दिया, तो इससे आपकी मान प्रतिष्ठा कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जरा ठंडे दिमाग से इस बात को सोचकर देखना। हालांकि माफी मांगने की प्रक्रिया दोनों पक्षों के संबंध, व्यक्तिगत आचरण और स्वभाव पर निर्धारित होती है, लेकिन अगर अमुक व्यक्ति आपके लिए बहुत वैल्यूबल है तो उसे मनाने में देर ना करें। झगड़े के तुरंत बाद ऐसे प्रयास करें कि वो मान जाए, और इस बात को आपसे भलीभांति कोई नहीं जान सकता। कोई दुनिया में ये नहीं बता सकता कि आप अपने पार्टनर या प्रेमी या सबसे अजीज व्यक्ति को कैसे मनाएंगे, क्योंकि उसके गुण दोष आप जानते हैं और इस बात में आपको ही महारत हासिल होगी कि किन किन बातों से आप उनको मना सकते हैं। इसलिए अगर आपके लिए वैल्यूबल व्यक्ति है तो उसे मनाने में देर न कीजिए, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपनों का ध्यान रखें, हमेशा अपनों के साथ रहें, अपनों को रूठने ना दें, रूठ जाएं तो मनाने में देर ना लगाएं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।